वेंकैया नायडू कुछ बोल रहे हैं उनको सुन लेते हैं। जो बिजनेस था वो बिजनेस आगे रह गया, उसको ध्यान में रख के स्पीकर डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए वगैरह। इसको विवाद का विषय बनाने में कोई मतलब नहीं है। और जिन लोगों ने राज किया, जिनका राज्य में ऐसी पुराना परंपरा भी रहा, वो लोग खुद विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। बजट का एक सैंक्टिटी होता है, बजट इज एन इम्पॉर्टेंट अकेशन एंड इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। ऑलरेडी वी आर इन द 11th आवर, सो आई होप दैट द स्पीकर गोइंग बाय द पास्ट प्रेसिडेंट्स विल टेक द नेसेसरी डिसीजन। आई हैव टॉक टू सम ऑफ द पार्टीज, दे आर ऑल सेइंग विल गो बाय व्हाटएवर द डिसीजन द ऑनरेबल स्पीकर टेक्स। तो साफ तौर पर यह कहना था वेंकैया नायडू साहब का कि इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। बजट एक बहुत संवेदनशील मामला है, पूरे देश से, पूरे देश की जनता से जुड़ा हुआ मामला है। हमें पूरा खेद है, हमें पूरी संवेदनाएं हैं। मृत्यु हुई है इहमत साहब की, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसे होना चाहिए।